दोस्तों आज मैं आप लोगों को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एक बहुत ही पॉपुलर सा कलर चेस्टनट कलर का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू दूंगा। दोस्तों ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये क्लासिक 350 का चेस्टनट रेड कलर आप देख रहे हो और इसमें सिंगल चैनल ABS यूनिट विद सिंगल डिस्क ब्रेक आता है। तो ये आपको लगभग कोलकाता में ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 1,85,000 रुपीज़ के आसपास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है शाह डिस्ट्रीब्यूटर्स भवानीपुर कोलकाता में, जिनके शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर आप कोलकाता से हैं तो आप इनसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये चेस्टनट कलर आप देख रहे हो ये बहुत ही एक क्लासिक कलर मुझे दिखता है और ओवरऑल ये कलर का एक अलग सा ही अपील आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल ही टैन ब्राउन कलर का सीट मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील दे देता है और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS यूनिट मिलेगा विद सिंगल डिस्क ब्रेक, यानी कि पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड का क्लासिक का कई सारे मॉडल्स और वेरिएंट्स आपको मिलता है, तो इस वेरिएंट में फिलहाल में आप देख रहे हो कि आपको पीछे आप 153mm का ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। बाकी अगर हम मैकेनिकल चेंजेस की बात करें तो कोई भी यहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, नॉर्मल जो क्लासिक आता है वही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर इंजन की बात कर लेते दोस्तों, तो इंजन BS6 कंप्लायंट अब हो चुका है। सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 346cc का यहाँ पे इंजन लगा हुआ है और पावर इसमें दिया गया है 19.1 BHP एट 5 to 50 RPM और टॉर्क पहले जैसा ही 28 Nm एट 4000 RPM। किक स्टार्ट दिया गया है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और पहले की डुअल स्पार्क प्लग को चेंज करके अभी इसमें सिंगल स्पार्क प्लग यूनिट ही लगाया गया है। इसमें आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा और कैटलिटिक कन्वर्टर भी आप एग्जॉस्ट पाइप पर देख पाएंगे। EFI 350 का बैजिंग इंजन पर किया गया है और इंजन आप देख पाएंगे दोस्तों, एक शाइनी क्रोम फिनिश्ड इंजन यहाँ पे इन्होंने दिया है। हिल एंड टो गियर शिफ्टर भी इसके साथ दिया गया है और पहले की मुकाबले अभी माइलेज जो है इंक्रीज हो चुका है, लगभग आपको 35 से 40 तक का माइलेज मिल जाएगा। इसके बाद अगर हेडलैम्प्स को देख लेते हैं तो हेडलैम्प पहले जैसा ही हैलोजन यूनिट है जहाँ पे 60x55 वॉट का हैलोजन लैम्प्स लगाया गया है और इसके ऊपर आपको एक क्रोम की फिनिशिंग भी मिल जाएगा। पीछे भी आपको नॉर्मल बल्ब यूनिट ही मिलता है और आपको राउंड शेप्ड ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स यहाँ पे ओल्ड स्कूल टाइप का मिल जाएगा। हेडलैम्प या फिर बैकलैम्प की अगर बात करें तो कोई भी LED वगैरह आपको नहीं मिलता है। सीट के पीछे आपको आड़ी का बैजिंग मिलेगा और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फोम यहाँ पे यूज़ किया गया है। हैंडल बार देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप हैंडल बार है, नॉर्मल यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का स्विच गियर लगाया गया है और हैंडल बार भी की क्वालिटी की अगर बात करें तो अच्छा खासा क्वालिटी इन्होंने दिया है। सारे नेसेसरी स्विच गियर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ओल्ड स्कूल राउंड शेप्ड आपको मिरर्स क्रोम फिनिश्ड इसके अंदर मिलता है। इसके बाद अगर हम मीटर कंसोल को देखें दोस्तों, तो मीटर कंसोल मुझे अब क्लासिक का ऐसा लगता है कि इनको अपडेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्यूल इंडिकेशन वगैरह आपको नहीं मिलता है या फिर कोई RPM मीटर नहीं मिलता है। तो नॉर्मल आपको इंजन मैलफंक्शन लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, ABS लाइट इंडिकेटर और स्पीडोमीटर के साथ ओडोमीटर और टेलटेल लाइट्स इसके अंदर मिल जाएगा। ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, एक पुराना रेट्रो फील दे देता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कंपटीशन को देखते हुए और गाड़ी की प्राइस को देखते हुए इनको अब थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए मीटर कंसोल को। यहाँ पे आप राउंड शेप आपको मिरर्स मिल जाएगा जो कि क्रोम फिनिश्ड है और इंडिकेटर्स में भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा। पूरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे क्रोम देखने को मिलेगा। टैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो 3 लीटर रिजर्व के साथ ओवरऑल 13.5 लीटर्स का यहाँ पे टैंक लगा हुआ है। रॉयल एनफील्ड का बैजिंग मिल जाएगा और यहाँ पे थाई पैड्स भी आपको मिल जाता है बेटर ग्रिप के लिए। साइड में भी आपको क्लासिक 350 का बैजिंग इसके अंदर मिल जाएगा, ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स इसके अंदर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम सीटिंग की बात करें तो सीट आप देख लीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल स्प्लिट टाइप यहाँ पे सीट सेटअप दिया गया है और लगभग यहाँ पे आपको 790mm का सीट हाइट मिलेगा। सीट की अगर स्टिचिंग की बात करें, कुशनिंग की बात करें, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पीछे आपको आड़ी का बैजिंग मिलेगा और सीट के नीचे आपको अलग से स्प्रिंग्स मिल जाएगा फॉर बेटर डैम्पिंग। और ये आप देख सकेंगे दोस्तों कि एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर का जो कैन है यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप पर बना हुआ है और ऊपर की तरफ आपको ऑक्सीजन सेंसर की पाइप भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जो माइलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अराउंड 40 KMPL का मिलेगा। दो पायलट लैंप्स आपको इसके ऊपर की तरफ मिल जाता है और टॉप स्पीड की बात करें तो 115 से लेकर 120 तक का आपको टॉप स्पीड मिलेगा। आगे की तरफ आपको 35mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि काफ़ी मोटा है और पीछे की तरफ आपको ट्विन गैस चार्ज शॉक अब्जॉर्वर मिल जाएगा जो कि 5-स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है और इसमें गैस कैनिस्टर लगा हुआ है जो कि बेटर आपको कंफर्ट दे देता है और दोनों ही तरफ आपको अलग से हैंडल्स इसके अंदर मिल जाएगा फॉर बेटर ग्रैबिंग ऑफ द पिलियन। और ऊपर से कुछ इस तरह का आपको ओवरऑल ये गाड़ी लगेगा, बहुत ही क्लासी फील यहाँ पे दिया गया है।
अब दोनों ही तरफ आपको इस पर ट्यूब टायर्स मिलता है विथ स्पोक व्हील्स, तो आगे की तरफ आपको 19 इंचेस का टायर मिलेगा जो कि 90x90 प्रोफाइल के साथ आता है। तो इसके साथ आपको जो डिस्क ब्रेक मिलता है, ये यहाँ पे आपको 280mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विथ 4 पिस्टन कैलिपर। तो 90x90 प्रोफाइल का ये टायर है, आप देख सकेंगे टायर की ट्रेड पैटर्न भी बिल्कुल सिटी फोकस्ड यहाँ पे दिया गया है। पीछे की तरफ 110x80 सेक्शन का 18 इंच वाला टायर मिलता है और पीछे की तरफ 153mm का ड्रम ब्रेक इसके अंदर दिया गया है। अब सिंगल चैनल ABS यूनिट मिलता है, तो आगे की तरफ आपको ABS मिलेगा और पीछे की तरफ जो रिंग्स आप देख रहे हैं ये RLP यानी कि रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन सेंसर दिया गया है, जो कि बेसिकली एक एक्सीडेंटल स्टॉप ही होने से गाड़ी को रोक देता है। यहाँ पे आप फुल्ली क्रोम फिनिश्ड आपको एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे दोस्तों एग्जॉस्ट पाइप भी बिल्कुल रेट्रोफील का है। ग्राउंड क्लियरेंस 135mm का है जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, और फुल्ली मेटल बॉडी होने की वजह से गाड़ी का वेट 193 kg का है। तो दोस्तों आपको ओवरऑल ये चेस्टनट कलर रॉयल एनफील्ड क्लासिक में कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए आपके फीलिंग्स और थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन पर। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, राइड सेफ एंड ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।